हूँ, आप देख रहे हैं भारत मीडिया, मैं हूँ शब्बीर अहमद। इस समय पूरे मुल्क में जो है अलविदा जुमा की नमाज अदा की जा रही है। यहाँ इस समय बिरथा रोड में नूरी जामा मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज जो है ख़त्म हो गई है। जो है इस मस्जिद के इमाम से और जानते हैं कि अलविदा जुमा का क्या महत्व है। मेरा नाम मोहम्मद सिराज अहमद है, खतीब इमाम नूरी जामा मस्जिद मोहल्ला अजीम का बिरथा रोड। होता है कि बिरथा मतलब यही होता है कि रमजान शरीफ के महीने की आखिरी जुमा अलविदा की मतलब होता है। दूसरी बात यह है कि आज इसलिए सारे मुसलमान अलविदा की नमाज में यानी जुमे की नमाज में शिरकत करते हैं कि रमजान मुबारक ये हुआ बरकत महीना है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा एक नेकी करे तो 70 गुना अजाफा उसके अमाल में के अमाल में अजाफा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो नेक साले मुसलमान होता है, सबसे बड़ी तकलीफ़ तो उसे इस बात की होती है कि रमज़ानुल मुबारक उससे गुजर जाता है, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास तौर पे अपने बंदों पर करम फरमाता है, फ़ज़ल फरमाता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा मग़फ़िरत का होता है, रहमत का होता है, फिर दूसरा मग़फ़िरत का, फिर तीसरा जहन्नम से निजात पाने का। तो चूँकि बाकी महीनों में तो ये सब बात ले नहीं, इस दौर में हर तरह के मुसलमानों के ऊपर तरह तरह के आफातों पर के सितम ढाए जा रहे हैं, और हमारी मुश्किल को, हमारे दुख और तकलीफ़ को कोई और नहीं दूर कर सकता है बल्कि अल्लाह अज वजल ही दूर कर सकता है। तो हमें सारे मुसलमानों से ये गुजारिश करनी है कि जहाँ कहीं भी इस चैनल से आप सुनते रखते हैं तो इस तरफ से आपको मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुकद्दस बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि 2-3 दोस्त और इस महीने में रह गया है, इस माह मुबारक के महीने में अल्लाह अज वजल की मुकद्दस बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएं और रब की बारगाह में दुआएं करें, रो रो कर दुआएं करें, क्योंकि हमारी मुश्किल को किसी इंसान की ताकत नहीं कि वो दूर कर सकता है। अगर किसी इंसान की ताकत होती कि वो हमें रिस्क दे तो यकीनन वो हमारे आगे का आप आना भी छीन लेता, लेकिन ये रब हर चीज़ पे जो कादिर है, हर चीज़ को देख रहा है, चाहे तो वो आला को ज़र्रा बना दे और ज़र्रा को अदना आला बना दे। तो लिहाजा हम उसी रब से, हम किसी और के सामने नहीं अपने हाथों को फैलाएंगे, फ़कत अल्लाह करीम के सामने अपने हाथों को फैलाएंगे और उसके हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उस रब से दुआ मांगेंगे और ये मांगेंगे कि ये अल्लाह सारे मुसलमानों को इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से, हर मुसलमानों के आफात वबला से महफूज़ अता फरमा, नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक। यहाँ पर जो हमारे साथ जो है कारी साहब जो है मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से जो है कारी साहब, देखा जा रहा है कि रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर के पूरे मुल्क में जो है हंगामा है, रोड पे नमाज पढ़ना एक बहाना है और मुसलमानों पर निशाना है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? मैं कारी मोहम्मद इम्तियाज़, प्रिंसिपल मदरसा रबिया नूर इस्लाम अजीम बाग बिरथा रोड। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये तो बात अच्छी है, इसलिए कि अगर रोड पे नमाज़ पढ़ी जाती है तो किसी को तकलीफ़ होती है, तो किसी को तकलीफ़ देकर नमाज़ पढ़ना बेहतर नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने हद के अंदर ही नमाज अदा किया जाए और खुशू और खुजू के साथ अदा किया जाए, नमाज में कोई खलल पैदा ना हो, नमाज की वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। नमाज और इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है, इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके अपने हद और अपने हदूद के अंदर रहकर नमाज जुमा और नमाज ईद उल फितर अदा करें और मुल्क में सुकून और सलामती के लिए दुआएं करें। तो इससे पहले जो है क्यों रोड से नमाज अदा की जाती थी, हुकूमत को क्यों मना करना पड़ा, इसलिए
उससे कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा लोग हो जाते थे उसकी वजह से मजबूरी के तहत रोडों पे नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन उससे राहगीरों को तकलीफ होती थी, इसलिए हुकूमत ने उसे रोकने की कोशिश की है। उसमें इस्लाम और मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। ईद और अलविदा की नमाज लोग जो है अपने एरिए की जो है तमाम इस्लाम तो ये एक भीड़ का कारण होता है जी। तो आप अक्सर लोग ये चाहते हैं कि हम मार्केट में जाएंगे, मार्केट में कुछ सामान भी खरीद लेंगे और कुछ सामान खरीदने के साथ साथ जुमे की नमाज़ भी अदा कर लेंगे या ईद की नमाज़ भी अदा कर लेंगे। इसलिए अक्सर देहात से लोग शहर के अंदर कस्बे के अंदर तशरीफ लाते हैं, इसलिए कस्बे और शहर में ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और अगर सरकार ने ये कह दी है कि अपने अपने गांव में पढ़िए, अपने गांव की जामे मस्जिद में पढ़िए, और अच्छी बात है, जहां पे जुमा की नमाज़ होती है, जहां पे ईद उल फितर की नमाज़ होती है वहां पढ़ेंगे, अपने पड़ोस में पढ़ेंगे और अफजल बेहतर है, जिसको जहां दिल चाहे अपनी नमाज अदा करें। तो इससे अगर जो है मतलब गाँव में नमाज़ पढ़ते, ईदगाह में नहीं पढ़ते, जामा मस्जिद में नहीं पढ़ते, तो उस नमाज की फजीलत में कोई कमी? नमाज़ की असल में ये है कि जहाँ पर नमाज़ होती है वहाँ पढ़ेंगे तो और बेहतर है, और इसलिए कि नई चीज़ को मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन अफजल ये है कि जहाँ पे इज्तिमाईया नमाज़ पहले से होती आ रही है वहाँ पढ़ेंगे तो ज़्यादा। अगर अपने गांव के मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको दो फजीलत जो मिलनी है वो आप जो एक कारी हैं उस नज़रिए से जो बताएँ। असल में पहले ये होता था कि देहात में कम लोग हुआ करते थे, इसलिए शहर में ही नमाज जुमा और ईद उल फितर का अहतमाम किया जाता था, लेकिन अब अक्सर गांव में इतने लोग हो गए हैं कि जहां चाहें नमाज जुमा और ईद पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी इस पे मुफ्तियाने कराम का कुछ इख्तलाफ है, अगर मुफ्तियाने कराम इस पर बैठकर फैसला कर लेंगे तो अच्छा और बेहतर रहेगा, जिसको जहाँ जी चाहेगा वहाँ पर नमाज अदा करेगा। थोड़ा सा एक छोटा सा कलाम मुझे, क्योंकि मुझे पता है क्या कलाम जो है थोड़ा सा पढ़ते हैं। हुजूर आप को देखना चाहता हूँ, हुजूर आप को देखना चाहता हूँ, हुजूर आप को यही मेरी हसरत यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, ला दीजिए मेरी चाहत का ऊंचा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, खिला दीजिए मेरी चाहत का ऊंचा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और ये विषय मुलाहिज़ा फरमाएं कि कहीं रोते रोते न बहे जाए आँखें, और कहीं रुक ना जाए ये बेचैन सांसें, कहीं रुक ना जाए ये बेचैन सांसें, उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और आखिरी से पहुँचाता हूँ मुलाहिज़ा फरमाएं, हमारा और आपका यकीन है कि हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं और हश्र में भी तशरीफ लाएंगे। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि सरे हश्र तशरीफ लाओगे लेकिन, और लहद में भी जलवा दिखाओगे लेकिन, लहद में भी जलवा दिखाओगे लेकिन, निकलने से पहले मैं अपो
सा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। निकलने से पहले मैं अपना जनाजा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको पहले अपना जनाजा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। ये थे हमारे कारी इम्तियाज़ साहब, जिनके जो है सुंदर कलाम से जो है आप रूबरू हो रहे थे। और उनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरह से जो है पहले गांव में जो है लोग कम होते थे, तो जुमे की नमाज़ और ईद की नमाज़ जो है मस्जिदों में जो है आकर के शहर की मस्जिदों में या जमा मस्जिदों में पढ़ा करते थे, ईदगाहों में अपनी ईद की नमाज़ अदा किया करते थे। सरकार ने जब इस पर पाबंदी लगा दी है तो लोग जो है अब अपने गांव की मस्जिदों में ही ईद की नमाज़ जो है अदा करेंगे। भारत मीडिया के लिए सद्दाम हुसैन के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट, आप देखते रहें भारत मीडिया चैनल।